नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा कौन कौन से ऑप्शन को, यानी कि कौन कौन से फीचर्स को हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके भी पूछा है और इस टाइप का क्वेश्चन एक फ्रेशर अकाउंटेंट के माइंड में हमेशा बना रहता है, क्योंकि जब भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो डैशबोर्ड पे काफ़ी सारे हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं। देन उसके बाद के अंदर कोई भी फीचर्स के ऊपर किसी भी ऑप्शन पे जाके हम देखते हैं तो आगे आगे कुछ ना कुछ विंडो हमारे सामने ओपन होती रहती है और उसी विंडो के अकॉर्डिंग साइड में हमारे पास कुछ है जो ऑप्शन और खुलते जाते हैं। तो यहाँ पर आके एक फ्रेशर अकाउंटेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है भी जब हम किसी कंपनी में अकाउंटिंग जॉब करेंगे तो हमें इन ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन को सबसे ज़्यादा यूज करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ प्रैक्टिकली बातें शेयर करने वाले हैं भी सबसे ज़्यादा हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से ऑप्शन को यूज करना होता है और कौन कौन से यूज होते हैं, सब कुछ आपके साथ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे ही हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो फर्स्ट डैशबोर्ड यानी कि जो फर्स्ट विंडो हमारे सामने ओपन होती है लिस्ट ऑफ कंपनी की, यानी कि आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। अब यहीं से ही आपके फीचर्स है जो यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है तो आप उसमें से सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप यहाँ से इन ऑप्शन से क्रिएट करोगे। उसके बाद सेलेक्ट रिमोट कंपनी, अगर आपने कोई ऑनलाइन एक्सेस करना है तो आपको रिमोट के साथ एक्सेस करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आपने कोई स्पेसिफिक पाथ आपने दे रखा है तो आप वहाँ से पाथ को डाटा अलग से आप इंपोर्ट करवा सकते हो, या अगर आपने किसी अलग स्पेशल ड्राइव के अंदर अगर आपका डाटा सेव है तो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करा सकते हो। तो इसके हम ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करेंगे, हम यूज करते हैं भी अगर आपने कंपनी क्रिएट कर ली तो कंपनी क्रिएट करने के बाद में कौन कौन से ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने कंपनी पे एंटर प्रेस किया, ये कंपनी की हमारी फर्स्ट विंडो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की ओपन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। अब यहीं से आपके फीचर्स है जो सारे के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है भी हमें ऑप्शन सबसे ज़्यादा कौन कौन से यूज़ करने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ भी टेली सॉफ्टवेयर में जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, चाहे ऊपर वो शॉर्टकट की हों, चाहे हमारे इस लिस्ट के अंदर जो भी ऑप्शन खुलते हो, तो कोई भी फीचर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं है जो अनयूज हो। हालांकि चाहे हम उसको यूज करें चाहे ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई फीचर्स नहीं है जो यूज हुआ ही नहीं हो। हम नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं हुआ भी इस फीचर्स को कोई और लोग भी यूज नहीं करते होंगे। कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया बहुत ही सोच समझ के बनाया है, हर कंपनी को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए फीचर्स को है जो ऐड किए जाते हैं। अब बात आती है भी फीचर्स सबसे ज़्यादा यूज होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी मतलब यानी कि जिस कंपनी में, जिस शॉप की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वो उस कंपनी का, उस शॉप का अकाउंटिंग का लेवल क्या है। यानी कि एक तो बिल्कुल छोटी दुकान है, उस दुकान में क्या होगा, यानी कि वो GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको वहाँ पर केवल ये बात बोला कि हमें केवल परचेज और सेल, पेमेंट रिसिप्ट और बैंक के ही रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने हैं, तो वहाँ पर आपके सिंपल से वाउचर मेंटेन हो जाएंगे। हम सभी आपको मैं फीचर्स यूज करके भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। अब बात आती है सेकंड लेवल की बात। अब मान लीजिए आपकी एक शॉप है, नॉर्मल शॉप है, लेकिन वो GST के अंदर रजिस्टर्ड है, तो अब GST रजिस्टर्ड है तो जाहिर सी बात है भी आपको GST के लेजर वगैरह भी क्रिएट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद के अंदर आपके जो हमारी GST की जो रिपोर्टें हैं, उस GST रिपोर्ट्स को भी आपको प्रॉपर यूज करना होता है। GST R1 क्या चीज़ है, GST R2 क्या चीज़ है, GST R3 भी क्या चीज़ है, ई इनवॉइस से रिलेटेड, ई वे बिल से रिलेटेड, ये सारी फीचर्स है जो यूज होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि आप ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, न तो वो GST के अंदर रजिस्टर्ड है, नहीं उसके ऊपर किसी टाइप की कोई TDS काटने की कोई लाइबिलिटी बनती है, यानी कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, टर्नओवर मात्र 2 से 3 लाख रुपए की है। तो अगर उस कंपनी के अंदर आप अकाउंटिंग करते हो, यानी कि उस दुकान की आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है भी आपको सबसे पहले वाउचर की एंट्री की हम बात करें तो आपको ये सारे वाउचर वहाँ पर यूज होंगे। अब हो सकता है भी वो कंपनी
जो आपकी शॉप के छोटा लेवल का जो दुकानदार है वो बैंक किसी के साथ ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन ना करता हो, लेकिन जैसी बात अभी वो परचेज़ करेगा तो आपको परचेज वाउचर यूज करना होगा। देन उसके बाद के अंदर आपको पार्टी के अकाउंट है वो आपको क्रिएट करने होते हैं, और उसके बाद में स्टॉक आइटम, अगर वो कंपनी कहती है, ये वो दुकानदार चाहता है भी मेरी सारी की सारी स्टॉक आइटम है वो मेंटेन होनी चाहिए, तो आपको प्रॉपर स्टॉक आइटम भी क्रिएट यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर वो कहते भी मेरे को स्टॉक आइटम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता लग जाना चाहिए कि इस पार्टी से कितना गुड्स मैंने आज तक परचेज कर लिया, उसकी फाइनल वैल्यू आपको पता हो जानी चाहिए, तो आप नेम जो हमारी अकाउंटिंग जो वाउचर है यानी कि इन्वेंट्री की जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, चेंज वाउचर पर जाके हम उसको एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस पे ले लेंगे, केवल हमें लेज़र ही मेंटेन करनी है टोटल वैल्यू के साथ में। तो ये ऑप्शन यानी कि जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जो बेसिक है वो ये जो बेसिक ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ये छोटे लेवल के दुकानदार को भी यूज करना होता है और बड़े से बड़े जो कंपनी उसके अंदर तो उनको तो करना ही होता है। तो अब बात आती है भी ऑप्शन की, तो आपको सेल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, अगर आपके वो दुकानदार बैंक का साथ भी लेन देन करते हैं तो रूटीन से जाहिर सी बात है भी बैंक के अंदर कैश भी डिपॉजिट होता होगा, कैश के अंदर कैश विड्रॉल भी होता होगा, और या फिर बैंक के थ्रू हमें किसी को पेमेंट करनी भी होती है, बैंक के थ्रू हमें पेमेंट लेनी भी होती है, तो बैंक का भी यूज हो सकता है। तो ये बेसिक वाउचर है, ये आपको प्रॉपर यूज़ करने होते हैं। अब मान लीजिए आपकी कंपनी है जो कोई कहते भी हमें सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न का कोई झंझट ही नहीं रखना, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के ऑप्शन है ये आपको कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर आपको कोई एस्टिमेट चलान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम और डिटेल को ओपन करते हैं, देन उसके बाद में आपको इस टाइप के जो ऑप्शन है, डिलीवरी चलान है, मटेरियल्स इन है, मटेरियल आउट है, फिजिकल स्टॉक है, कोई रिसिप्ट नोट है, रिजेक्ट इन है, रिजेक्ट आउट है, तो इस टाइप के आपको कुछ ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इस लेवल का काम नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की। मान लीजिए उस कंपनी के पास जीएसटी नंबर है यानी कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, टर्नओवर उसकी लगभग 80 से 90 लाख रुपए की है, तो वो स्टॉक भी मेंटेन करेगा, तो स्टॉक मेंटेन करेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो मोड ऐप का वाउचर का उसको इन्वेंट्री पे रखना पड़ेगा यानी कि एज ए आइटम इनवॉइस पे रखना पड़ेगा, और आइटम इनवॉइस के बाद में आपको प्रॉपर स्टॉक आइटम को, टोटल गुड्स आपके कितने इनवर्ड हैं कितने आउटवर्ड हैं, सब कुछ आपको मेंटेन करना होगा। और ये सब कुछ तो आपको रूटीन वर्क है, ये तो आपको करना ही करना है, परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ यूज करना होगा। देन उसके बाद के अंदर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी भी बनती है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर ये चेक करता रहना पड़ेगा भी आपके जो टैक्स की लायबिलिटी है मंथली है या फिर क्वार्टरली है वो बन रही है या नहीं बन रही है, तो आपको किस तरीके से उसको जीएसटी को डिपॉजिट आप कराओगे, या आपके ऊपर ईवी बिल की अगर लायबिलिटी बनती है तो ईवी बिल आपको किस तरीके से बनाना है, तो ये ऑप्शन आपके तब यूज होंगे आप ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये जो जीएसटी से रिपोर्ट से संबंधित ऑप्शन है ये आपको प्रॉपर यूज करने होते हैं, लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इस ऑप्शन का आपके लिए कोई भी यूज नहीं है। उसके बाद के अंदर ये डिपेंड करेगा भी वो जो कंपनी है वो उसका बिजनेस का टाइप क्या है, बिजनेस का टाइप का मतलब भी वो ट्रेडिंग का बिजनेस करता है यानी कि गुड्स परचेज करता है सेल करता है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपनी है यानी कि कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री है, जैसे कि वहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर प्रोसेस किया, फिर वो अलग अलग आइटम बना के उन्होंने सेल कर दी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको बिल ऑफ मटेरियल को यूज करना होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको परचेज और सेल वाउचर के तो यूज करने ही करने, इसके अलावा आपको अलग से ऑप्शन यूज करना पड़ेगा बिल ऑफ मटेरियल का, जिसका हम स्टॉक जर्नल बोल देते हैं, तो ये भी आपको वाउचर है जो क्रिएट करना होता है, क्योंकि उसके बाद में ये ऑप्शन आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है भी आप इन ऑप्शन को यूज़ करें ना करें, लेकिन जैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे हम ऑप्शनल पे जाते हैं तो ये ऑप्शनल का मतलब क्या चीज़ आ गया, पोस्ट डेटेड आ गया, इसके अंदर जैसे कि रिलेटेड रिपोर्ट्स आ गई, स्टॉक क्वेरी की भी कौन सा प्रोडक्ट आपको किस रेट में आया हुआ है, किस रेट के अंदर आपने इसको सेल किया हुआ है, उसी तरह अलग अलग टाइप के ऑप्शन आपको अलग अलग फीचर्स में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने किसी पार्टी का लेजर आपने देखना है, स्टेटमेंट आपने देखनी है, तो जैसे कि हम डिस्प्ले पर जाते हैं, अकाउंट्स बुक पे जाते हैं, लेजर पर जाते हैं, जैसे हमने कोई पार्टी का स्टेटमेंट देख लिया, और जैसे हम स्टेटमेंट देखेंगे आपने सिंपल इतना देख लिया कि टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है, टोटल डेबिट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है, और उसके बाद में अगर आपने साइड में हम जाके देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शॉर्टकट है जो दिखाई देंगे। अब इसके अंदर जैसे एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कोलमर का, अब इसके अंदर एफ8 जैसे हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे कि अगर आपने कंपनी की रजिस्टर के अंदर कोई अल्ट्रेशन करना है, जैसे शो पार्टी का एड्रेस करना है,
या फिर आपको वाउचर टाइप भी शो करवाना है, वाउचर नंबर भी शो करवाना है, उसके बाद में पेन नंबर, CST नंबर, वाउचर का नरेशन, क्वांटिटी डिटेल, सब कुछ आपने यस करवानी है। तो जैसे आप इन ऑप्शन को हम यस करते जाएंगे, से एक बार जैसे मैंने सभी को यस कर दिया, जैसे जैसे हम इसको यस करते जाएंगे तो आप देखो ये अलग अलग आपके सामने इस पार्टी की जो लेजर डिटेल है वो सारी आपके सामने इस तरीके से हो जाने। इसके अलावा काफ़ी सारे और ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हो जाएंगे, टोटल आपने प्रोडक्ट सेल कितने किए, उसके अंदर आपने कस्टमर से टैक्स के रूप के अंदर कितना पैसा CGST SGST के रूप में आपने ले लिया, कितनी आपने स्कीम दी है, तो सब कुछ ये डिटेल ओपन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आप अगर कंपनी के लिए फैसिलिटी के लिए देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। और इसके अलावा चेंज व्यू के अंदर आप जाके देखोगे तो चेंज व्यू के अंदर आपको वाउचर टाइप देखना है, बिल वाइज डिटेल देखनी है, तो ये ऑप्शन आपको डेली ब्रेकअप देखना है, तो इस तरीके के ऑप्शन आपको आगे से आगे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर कोई बिल आपने सेटल किया है, सेटल बिल्स की डिटेल देखनी है, वाउचर की डेट देखनी है, अकाउंट किसका अकाउंट आपने साथ में देखना है, तो ये सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी भी आपने इस अकाउंट को, इस अमाउंट को सेटल करना है या नहीं करना है, कैश के साथ, बैंक के साथ, तो हम साथ के साथ इसको सेटल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अगर आप जाएँ तो कॉन्टैक्ट की डिटेल आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी ये ऑप्शन ऑप्शनल होते हैं, आप इन ऑप्शन का यूज करो चाहे नहीं करो, इसमें आपके अकाउंटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अकाउंटिंग का इफेक्ट आपका केवल वाउचर एंट्री से ही पड़ना है। एक एंट्री आपने दो बार कर दी तो भी आपके अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट से गलत हो जाएगी। मान लीजिए अकाउंटिंग आपने नहीं करी तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी गलत हो रही है। तो ये मेन प्रॉपर आपका होता है भी हम ऑप्शन पे ना जाके प्रॉपर हमारी अकाउंटिंग करने का जो तरीका है, वाउचर एंट्री करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। वाउचर की एंट्री आपने प्रॉपर सही तरीके से कर दी, परचेज वाली परचेज में, सेल वाली सेल में, पेमेंट वाली पेमेंट में, रिसिप्ट वाली रिसिप्ट में, तो आगे ऑप्शन आपको बिल्कुल इजी हो जाएंगे देखने के लिए। ये ऑप्शन होते हैं भी हम इसको अलग अलग व्यू में किस तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल के लिए GST रिटर्न पर हम चलते हैं, जैसा कि हमने GST स्टेटरी रिपोर्ट हमने ओपन करी, GST रिटर्न पर हम गए और GST R1 अपने मान लीजिए अपने ओपन कर लिए और इसका पूरा पीरियड है जो सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया तो ये GST R1 का ये प्रॉपर व्यू आ गया। अब उसके बाद आप देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको और भी यहाँ पे दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका व्यू अगर चेंज करना चाहें तो आप देख रहे हो इसका व्यू चेंज हो गया, लेकिन ये व्यू चेंज हुआ है न कि आपका कोई रिकॉर्ड चेंज हुआ है। रिकॉर्ड अभी भी सेल आपकी यहाँ पे 12,275 रुपये ही है। अगर आप इसको रिटर्न व्यू के अंदर देखना चाहोगे तो भी आपकी सेल यहाँ पे 12,275 रुपये ही है। यानी कि ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को कितनी और ज़्यादा डिटेल्स के साथ इसको देखना चाहते हो। अब आपके सामने यहाँ पर और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गया भी, ओपन GST पोर्टल, यानी कि आप कोई गूगल ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है, GST साइट आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, या डायरेक्ट आपको इस जैसे हम ओपन GST पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो ये हमें GST की साइट पे लेके जाएगा। तो अब बात आती है भी आपको ऑप्शन का यूज करना चाहिए, करना है या नहीं करना, आपको यूज करना आता है या नहीं आता, ये कोई मैटर नहीं करता। डिपेंड ये करता है भी आपको प्रॉपर वाउचर एंट्री, और उसके बाद में मेन चीज़ आ जाती है आपके पास रिपोर्ट्स के अंदर भी, आपको बैलेंस शीट देखने का पता होना चाहिए, स्टॉक समरी देखने का पता होना चाहिए, रेशियो एनालिसिस करने का आपको तरीका पता होना चाहिए भी रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से डेटा हमारे को यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इस ऑप्शन के बारे के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हम जाएंगे इसको चेंज व्यू करके देखोगे, वर्टिकल में देखोगे तो आप ये वर्टिकल में हो जाएगा। डाटा कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपका देखने का जो नजरिए जैसे कि हमारे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है वही चेंज हो रहा है, डाटा कोई भी डाटा आपका चेंज नहीं हो रहा। जैसे हम करेंगे उसके बाद में न्यू कॉलम आप बनाना चाहते हो तो कॉलम आप जैसे बनाएंगे तो एक कॉलम आपके साथ में और बन जाएगा, मंथ वाइज डिटेल, डे वाइज डिटेल, ब्रेकअप वाइज डिटेल, सब ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्रेशर हो, बिल्कुल पहली बार आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे कंपनी में जाने के बाद में, सीखा है आपने वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने कंपनी में काम करोगे तब वहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो आपको प्रॉपर ऑप्शन पे न ध्यान देने की बजाय आपको प्रॉपर वाउचर की जो अकाउंटिंग एंट्री है उसके ऊपर आपको ध्यान में देना जरूरी है भी, ये जो वाउचर की एंट्री आप इसके ऊपर जो कर रहे हो वो एंट्री का इफेक्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर कहाँ पड़ने वाला है, ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है या इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर आपके इसके कोई बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारा नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। अब बात रही ऑप्शन की तो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, हो सकता है आपकी कंपनी GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको GST की डिटेल ही जरूरत नहीं है। अब आपकी कंपनी GST की भी डिटेल को यूज़ करती है, TDS डिडक्ट करने की भी आपकी लाइबिलिटी है या फिर TCS डिडक्ट कलेक्ट करने की आपकी कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, तो ये हमारा जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यूज करने पड़ेंगे। और ये जब यूज करेंगे तो हमारे को यहाँ पर जो स्टेचरी डिटेल में जाने के बाद में TDS की रिपोर्ट है,
तो ये प्रॉपर रिपोर्ट्स आपको देखनी आनी चाहिए। फॉर्म चाहे 26Q है, चाहे 27Q है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ऑप्शन कंपनी सॉफ्टवेयर ने सब कुछ दे रखे हैं, पर ये डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी की जो अकाउंटिंग का जो लेवल है उसके ऊपर। कंपनी आपकी ट्रेनिंग की है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग की है, या फिर वो सर्विस की है, या फिर वो कोई कमीशन एजेंट है, किसी भी टाइप की हो सकती है। अकाउंटिंग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन अपने आप ही आपको बता देंगे भी इस ऑप्शन को आप यूज़ कर रहे हो तो आपके सामने क्या क्या रिपोर्टें खुलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो भी एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन है, इसके ऊपर आपको नहीं पता क्या है, इसके ऊपर जाएंगे तो और ऑप्शन खुल जाएंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भी आपके सामने ये टोटल डिटेल आ गई भी, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट अकाउंट, वेरिफिकेशन स्टॉक आइटम, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, एनालिटिक ऑफ प्रोड्यूसर्स पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने इन ऑप्शन को यूज़ कर रखे हैं तो यहाँ पर आपकी रिपोर्टें भी आपको दिखाएगा, उसके बाद में अलग अलग व्यू आप देख सकते हो। डायरेक्ट आप बैलेंस शीट पर देख सकते हो तो बैलेंस शीट पर आप जा सकते हो। तो बैलेंस शीट देखने का आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट की जो साइड आपकी आ रही है, लायबिलिटी साइड है, इस साइड का मतलब क्या होता है, एसेट साइड का मतलब क्या होता है, एसेट साइड के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, लायबिलिटी साइड के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो ये सब कुछ आपको होना चाहिए। जैसे जैसे आप फीचर्स खोलते जाओगे ऑप्शन आपके सामने और ज़्यादा खुलते जाएंगे, तो ये प्रॉपर व्यू आपको पता होना चाहिए भी इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से कुछ हद तक आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।